लड़ते, लेकिन ये अपने साथ वाले बोनेली को भी मार देता है। ओ, थोड़ा एहतियात करके। जी सजाद भाई जी। तो ये बोनेली ईगल है, ये सितंबर में आना शुरू होते हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा बहुत से लोग इनको ट्रैप भी करते हैं बेचारे, बहुत से बर्ड जो हैं जाल की नज़र भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास आते हैं तो फिर ये सुकून में रहते हैं कुछ टाइम। उसके बाद ये है कि किसी अच्छे बंदे के पास जाते हैं, सुकून में रहते हैं, फिर हम आज़ाद कर देते हैं इसको। ज़बरदस्त। तो ये इसकी एज क्या होगी, मतलब ये चूज़ है, अडल्ट है, क्या है? सजाद जी अमूमन जो इस कलर में होते हैं वो चूज़ में ही शुमार होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 महीने का पट्टा अगर बोल दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 साल से कम है इसकी एज। जी बिल्कुल। और ये जुवेनाइल है? जुवेनाइल है बिल्कुल। ठीक है, तो अडल्ट जो है उसका फिर वो सीना मेरे ख्याल में सफेद होना शुरू हो जाता है। ये है कि बॉजम में जो है ना इसका सीना वाइट और ब्लैक धारियाँ आ जाती हैं, और जब एडल्ट होता है ना तो बिल्कुल उसका सीना वाइट हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक हल्के हल्के डॉट्स होते हैं। ठीक है, ये नर है मादा? ये तो फीमेल है। अच्छा, तो कैसे ये अब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसका जो साइज़ है ना, तो इसके साइज़ से 110% ये फीमेल है। मेल बड़े होते हैं, मेल छोटे होते हैं? मेल इसी नस्बत छोटा होता है। इसको फीमेल आप क्यों कह रहे हैं? इस वजह से क्योंकि हम अमूमन तो परिंदों का साइज़ किया जाता है, साइज़ से अंदाज़ा लगाया जाता है फीमेल है मेल है, और इनका पंजा मेल की नस्बत फीमेल का पंजा जो होता है बड़ा होता है। मेल जो होता है तकरीबन शोल्डर टू टेल अगर उसके इंच से नाप किया जाए तो 19 से 20 के दरमियान होता है, और फीमेल जो होती है 22-23 तक पहुंच जाती है। तो नर छोटे होते हैं, मादा जो है साइज में बड़ी होती है। उसका पंजा भी छोटा होता है, उसकी चोंच भी छोटी होती है, दिखने में भी छोटा होता है। टूज आप कहते हैं जुवेनाइल को? बिल्कुल। और बोजम कहते हैं सब अडल्ट जो तकरीबन 2 साल 3 साल के करीब करीब। और जो अडल्ट हो गया वो तरीनाग उसको कहते हैं, और वो तरीनाग जो है इस परिंदे से, इस परिंदे का सीना लाल है उसको सफेद हो जाता है। जी बिल्कुल। साइज में भी फर्क पड़ता है? नहीं, बड़ा होता है तो नॉर्मल जो अभी है, एडल्ट में भी उतना ही होगा। और इससे शिकार वगैरह क्या खेला जा सकता है? सैयद भाई वैसे तो शिकार के माने कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, फील्ड नहीं है जिसमें हम इसको शिकार के लिए खोल सकें। हिरन मार लेगा ये? हिरन तो मुश्किल, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है खरगोश तो इजीली मार सकता है। छोटी हिरन हो तो फिर कोई पता नहीं है इसका, इसके अलावा खरगोश कबूतर वगैरह तो इजी। ट्रेनिंग वगैरह इसकी मुश्किल है, या मतलब अगर बास को ट्रेन करना हो और इसको ट्रेन कर रहा हो तो दोनों में का प्रोसेस सेम ही रहेगा, सिर्फ जगह का फर्क पड़ जाएगा? ये है कि दोनों डिफिकल्ट है, उसकी अपनी मैनिंग है टाइमिंग है, इसकी अपनी मैनिंग और टाइमिंग है। अच्छा, अभी इसके अलग प्रोसीजर है, उसका अलग प्रोसीजर है। बाकी ये है कि ईगल इजीली ट्रेन हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रा से मेहनत है और इससे हमें इसको अपने से डर ख़त्म करना होता है, बाकी इजीली ट्रेन हो जाता है, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, जब बाज को हम साइज़ करते हैं मादा बाज को, तो वो चली जाती है मैक्सिमम 19x19, 18x18 और 17x17 भी होते हैं, जुर्रे पे आ जाएँ तो वो उससे नीचे आ जाते हैं। ये इसके साइज़ का कोई अंदाज़ा है कितना होगा? सजाद भाई जो ये जो मेरे हाथ में फीमेल है इसका बेसिकली साइज़ जो है 22 तो 23 है। ठीक है, 22 तो इसका मेल होता है वो 18-17 इंच 20 इंच तक भी आता है मेल, बाकी अदरवाइज 20 से ऊपर जो भी होती है फीमेल में शुमार होती है। ठीक। अच्छा, इसको आप कहाँ से लाए हो, ये आपके हाथ कहाँ से लग गया? सजाद भाई ये तो खैर कराची के मतलब इम्प्रेस मार्केट है ना, वहाँ पर एक जाल वाला सईद उसके पास रखा हुआ था, तो मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा कि इस बेचारे को बाज बना के रखा हुआ है, अभी कोई उनका मुर्गा फंसेगा तो उसको काट के दे देंगे ये, तो मैंने उनसे खैर परचेस किया, यानी कि एक तरीके रेस्क्यू किया। अभी कुछ दिनों के लिए इसको रखा है, यानी 15-20 दिन इसको शौक का शौक भी हो जाएगा, उसके बाद इसको हम आज़ाद कर देंगे। रेस्क्यू आप इन एसेंस कह रहे हो कि ये 1 फुट बाई 1 फुट के तोते के पिंजरे में वहाँ एम्प्रेस मार्केट में रखे हुए होते हैं, यानी दुम पर चोंच सब डैमेज हो। मैंने देखा है परिंदे टकरे मार मार के अपने आप को जख्मी भी कर लेते हैं और वहीं पर वो मर भी जाते हैं, यानी इंसानों से उनको इतना डर हो जाता है जैसे बस कोई चीज़ देख लो, जैसे इंसानों को जिन्नात से डर लगता है इनको इंसानों से लगता है। ठीक है, तो ये आपसे क्यों नहीं डर रही? आपने कोई इसको मैनिंग में रखी है? आपके सामने ये बैठा हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड बैठा हुआ, इसको कोई डर नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैंने टाइम दिया, इसको इंसानों का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये मैन हो गया। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट अभी आप इसको फिश कॉलिंग पे लगा दोगे? तकरीबन। ठीक हो गया। ठीक है, मैंने सुना है कि ये बड़ा ख़तरनाक परिंदा है, इसके आसपास अगर आपने दूसरा फाल्कन या कोई बाज भी रखा हुआ है तो इसका पंजे देखें कितने
ताकतवर हैं, तो मैं सुना है ये उनको भी मार देता है। शायद भी होता ये है कि परिंदा जब हम एक कमरे के अंदर 3-4 परिंदे एक साथ रख देते हैं, ठीक है, जिसमें बूटेड होता है, बोनेली होता है या इम्पीरियल होता है, तो ये इतना शाकाहार है कि उनको पकड़ के अपनी भूख मिटाने के उनको मार देता है, इतना ये जालिम परिंदा। उसके अलावा और भी ईगल्स होते हैं जैसे स्टेपी हो गया, टोनी हो गया या इम्पीरियल होगा, वो आपस में नहीं लड़ते, लेकिन ये अपने साथ वाले बोनेली को भी मार देता है। ओ, थोड़ा एहतियात करके, ठीक है। अच्छा, इसको अब ये जो लोग जो है ना उकाब मांगते हैं, इसको वैसे हम उकाब भी बोलते हैं सारी ईगल्स को हमारी मुकामी ज़ुबान में। हाँ, ये मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, इसको आप देख लें कि ये जो लोग कहते हैं कि हमें बास चाहिए, हमें बैरी चाहिए और हमें उकाब चाहिए, इससे नीचे नहीं आते, तो आप रिकमेंड करते हैं कि जिनको कभी एक्सपीरियंस ही ना हो उन परिंदे रखने का, वो ये उकाब को रख ले। इसको हैंडल करना आसान नहीं है, अच्छा खासा इंसान को इस पर वो चाहिए। ये देखें आप, बहुत मुश्किल है इसको हैंडल करना, इतना जॉइंट ये ईगल है और ये इतना ख़तरनाक भी है कि इसका पंजा जो है वो अगर मेरी ये नफ्स पकड़ ले, बाजू पकड़ ले, तो नफ्स बंद कर सकता है, इसमें इतनी ताकत है। तो आप रिकमेंड करते हैं जिन्होंने कभी कोई परिंदा ना रखा हो, कोई तजर्बा ना हो उनको, और वो ये ईगल रख लें। लोग समझते हैं कि एक बाज ले लिया और उसे शिकार करवा लिया, तो इतना कोई आसान नहीं होता, तो लोग अमूमन हर परिंदे को बाज में ही शुमार करते हैं। ये उकाब है, इसकी अलग नेचर है बनिस्बत फैल्कन्स के, ठीक है, क्योंकि जब ये वाइल्ड होते हैं, जब ट्रैप होते हैं, तब बहुत ही ज़्यादा वेशीपन होता है इनके अंदर, लेकिन इनके साथ 2-3 रातें गुजारनी पड़ती हैं, तब जाके इनका थोड़ा डर ख़त्म होता है, तो तब जाके अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ये, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है हैंडल करना, क्योंकि बिना गिलफ के भी तो नामुमकिन है। गिलफ के साथ भी मैंने बिठाया था, इसके नाखून अभी अंदर मेरे को चुभ रहे हैं। इतनी यानी कि इसमें ताकत है जी, बिल्कुल। खुराक कितनी होगी इसी? खुराक मैक्सिमम 1 पाव गोश्त, यानी कि एक जंगली कबूतर पूरा दिन का खा लेता है ये? एक जंगली कबूतर अगर सुबह में खिलाया था तो उस दूसरे दिन सुबह तक ये ओके रहता है बिल्कुल। इसकी कीमत क्या होगी? सही भी अमूमन तो देखें किसी को कुछ नहीं पता, खास तौर पर शिकारियों को भी नहीं पता होता ये क्या चीज़ है, उनके जाल में लगता है तो वो समझते हैं कोई बड़ी बला है, वो उठा के अपने एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब हम लोगों को पता चलता है, हम जाके उनसे परचेस कर लेते हैं, किसी को 2,000 में, किसी से 3,000 में, और अमूमन जो जाल वाले उनसे भी 2 से 3,000 में मिल जाता है इजीली, लेकिन जब टेम हो जाता है, मेन हो जाता है, तो लोग इसको 10,000-12,000 में सेल भी करते हैं। ठीक है, इसकी यानी कि कीमत जो है वो आप कह रहे हैं 10-12,000 होनी चाहिए तकरीबन, और ये रखना उसी को चाहिए जिसके पास जगह है इसको रखने की। ये रिकमेंड करूँगा कि जो नए बंदे हैं ना, इसके मतलब इंटरेस्ट ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ये नुकसान देता है। अभी आपने मेरे क्लिप में देखा होगा, इसने अचानक मेरे मुंह पे अटैक कर दिया। ख़तरनाक परिंदा है तकरीबन, ये भूख में अंधा होता तो फिर किसी को नहीं देखता। ठीक है, इसमें कम से कम जगह 10x10 या 6x6 क्या रिकमेंड करते हैं इसको बिठाने के लिए? जगह होनी लाजमी है, क्योंकि इसके विंग्स हैं बड़े, अगर छोटी जगह होगी विंग्स टकराएंगे तो विंग्स डैमेज हो सकते हैं, तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा परिंदा। बहुत खूबसूरत परिंदा है माशाल्लाह। अच्छा, ये गोल्डन ईगल से बड़ा होता है छोटा होता है? नहीं सजद भी, इसकी जो फीमेल होती है तो गोल्डन ईगल का मेल लगा लें, यानी कि गोल्डन ईगल का जो मेल होता है 23-24 इंच तक का होता है, लेकिन इसकी फीमेल 23 से 24 इंच तक आती है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अगर आपको बास का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली हयात की दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने पसंदीदा वीडियोस को देखते रहें।